स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल के कुछ एग्जांपल्स, दैट हाउ टू क्लासिफाई इनटू करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। टॉपिक दोबारा समझ लें आप क्या है। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर किसी ने, जो भी व्यूअर हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा और आपकी बेसिक नॉलेज को इतना बढ़िया कर दिया जाएगा कि आपको किसी और सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑपरेटिंग साइकिल का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए इनका यूज होता है। इसी, जो मैं एक न्यूमेरिकल लेकर चल रहा हूं, इसमें हमें देखना है कि ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पर हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, अंतर करें कि कौन सी करंट लायबिलिटी है और कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी है। एक बात समझ लें स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है उसको दोबारा कैश में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, इसे ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। किसी कंपनी में 3 महीने, किसी में 4 महीने, किसी में 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर भी ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें स्टूडेंट्स, हमें यह देखना है कि जिस दिन हमने बैलेंस शीट बनाई, यानी 31 मार्च को, 31 मार्च से विद इन 12 मंथ, यानी 12 महीने के अंदर अगर किसी लायबिलिटी की हमें पेमेंट करनी हो तो वो ऑटोमेटिकली करंट लायबिलिटी हो जाएगी। इस केस में ऑपरेटिंग साइकिल भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, समझना ध्यान से। अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट बैलेंस शीट डेट से, 31 मार्च से, यानी अगले 12 महीने के अंदर किसी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, चाहे वो डिबेंचर्स क्यों ना हो, बैंक लोन क्यों ना हो, वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी। और अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट 12 महीने के बाद करनी हो तो उस केस में रेलिवेंट होगा ये देखना कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। यानी ऑपरेटिंग साइकिल की इंपॉर्टेंस कहां है स्टूडेंट्स, जहां पर पेमेंट होनी है 1 साल के बाद और हमारा ऑपरेटिंग साइकिल भी 1 साल से ज्यादा है नॉर्मली। अब समझें इस बात को, अब न्यूमेरिकल देखें मेरा क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी हमने करंट लायबिलिटीज के आंसर अलग से लिखने हैं, नॉन करंट के अलग से लिखने हैं, वन बाय वन स्टडी करके। यहां क्या गिवन है देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल मंथ्स में, ये ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देना, देखना। और ये है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दिया गया है, आप यहां लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं, यानी लायबिलिटीज की पेमेंट कितने महीने के बाद होनी है ये मेंशन है यहां पर। अब वन बाय वन हर एक को कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट्स, याद रखिए। फर्स्ट केस ले लीजिएगा स्टूडेंट, केस वन में देखो ऑपरेटिंग साइकिल है 17 मंथ और लायबिलिटी की पेमेंट करनी है 16 मंथ्स के बाद, यानी ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है, करंट लायबिलिटी की पेमेंट उससे पहले हो जाएगी तो ये हमारी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। याद रखिए स्टूडेंट, हालांकि पेमेंट 12 महीने के बाद है बट लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो हम यहां ये लिखेंगे फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्या हो गया हमारा, करंट लायबिलिटी हो गई। ये भी मंथ्स में है स्टूडेंट्स, याद रखना, ये भी मंथ्स में है। अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट केस हो गया हमारा, इसे टिक कर देते हैं। सेकंड केस पर आ जाइए, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है 16 मंथ और पेमेंट होनी है लायबिलिटी की 18 मंथ में, यानी ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा है और 12 महीने से भी ज्यादा है, तो ये स्टूडेंट्स हो गई हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट में लिखेंगे नंबर 2, यानी नंबर 1 वाली लायबिलिटी हुई करंट, नंबर 2 वाली हुई हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड में चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए लायबिलिटी की पेमेंट, देखो लायबिलिटी की पेमेंट होनी है 11 महीने के बाद, यानी ये करंट लायबिलिटी है, देखते ही पता चल जाएगा। देखो कैसे स्टूडेंट्स, मैंने बताया था बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर जिसकी पेमेंट होनी है वो वैसे ही करंट लायबिलिटी है। इस केस में आपको ऑपरेटिंग साइकिल देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है बट 12 महीने से कम है, तो थर्ड केस क्या होगा हमारा, ये भी करंट लायबिलिटी होगा स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से देख लीजिएगा।
अब हम बढ़ते हैं फोर्थ केस की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ केस क्या है, लाइबिलिटी की पेमेंट होनी है 12 मंथ के बाद, यानी विद इन 12 मंथ, एक तरह से 12 महीने लग जाएंगे, तो इसमें भी हमें ऑपरेटिंग साइकिल देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था बैलेंस शीट से विद इन 12 मंथ जिसकी भी पेमेंट करनी हो उसमें ऑपरेटिंग साइकिल देखने की जरूरत नहीं, यानी यहां भी ऑपरेटिंग साइकिल कम है, लाइबिलिटी की पेमेंट बाद में हो रही है बट विद इन 12 मंथ हो रही है, तो ये भी हमारा केस फोर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, करंट लाइबिलिटी वाला होगा। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ केस की तरफ, इसे देखिए स्टूडेंट्स, पेमेंट होनी है 13 महीने लग जाएंगे पेमेंट होने में, 13 मंथ लग जाएंगे। अब देखना जरूरी है ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा है, ऑपरेटिंग साइकिल कम है, यानी ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स है, पेमेंट होनी है 12 महीने से भी ज्यादा, यानी ये हो गई हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। कौन से केस में? फिफ्थ केस में स्टूडेंट, इस बात को समझिएगा। अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ केस की तरफ स्टूडेंट, सिक्स्थ केस देखिए, पेमेंट होनी है एट द एंड ऑफ 12 मंथ, तो ये करंट लाइबिलिटी हो गई देखते ही, इसमें ऑपरेटिंग साइकिल देखने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल है 14 मंथ, वो कंडीशन भी पूरी हो रही है और ऑपरेटिंग साइकिल से पहले पेमेंट हो जाएगी लाइबिलिटी की, तो सिक्स्थ केस भी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, करंट लाइबिलिटी हो गई। अब बढ़ते हैं सेवंथ केस की तरफ स्टूडेंट्स, सेवंथ केस देखो बड़े ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 12 महीने से ज्यादा लग जाएंगे पेमेंट होने में, यानी देखें तो ये नॉन करंट बनता है। अब यहां देखने की जरूरत है ऑपरेटिंग साइकिल, यानी 12 महीने के बाद पेमेंट होगी लाइबिलिटी की, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल उससे भी ज्यादा है 15 मंथ, यानी याद रखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग साइकिल रेलिवेंट कब है, इंपॉर्टेंट कब है देखना, जब 12 महीने से ज्यादा लग रहे हो पेमेंट करने में, तो ऑपरेटिंग साइकिल अगर उससे ज्यादा हो, देखिए ऑपरेटिंग साइकिल है 15 मंथ, पेमेंट उससे पहले हो जाएगी हालांकि 12 महीने से ज्यादा है, ये भी करंट लाइबिलिटी कहलाएगी स्टूडेंट्स। तो ये हो गई हमारी करंट लाइबिलिटी किसमें, सेवंथ केस में। सेवंथ केस दोबारा से देख लो स्टूडेंट, लाइबिलिटी की पेमेंट 12 महीने के बाद हो रही है लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। अब एट्थ केस देखिए स्टूडेंट्स, एट्थ केस, पेमेंट हो रही है 12 महीने के बाद, यानी 13 महीने लग जाएंगे, 13 मंथ, तो लगता है ये नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, लेकिन हमें देखना है ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है 9 मंथ, यस नॉन करंट लाइबिलिटी की दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, 12 महीने से ज्यादा भी लग रहे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा भी लग रहे हैं, तो एट्थ केस क्या हो गया हमारा, नॉन करंट लाइबिलिटीज। यानी एंड में स्टूडेंट्स आप दोबारा देख लें, करंट लाइबिलिटीज फर्स्ट केस मैं लिख भी देता हूं यहां, करंट लाइबिलिटी, थर्ड केस करंट लाइबिलिटी, फोर्थ केस करंट लाइबिलिटी, सिक्स्थ केस करंट लाइबिलिटी, सेवंथ केस करंट लाइबिलिटी, ये हमारे करंट लाइबिलिटी के लिए हैं। और दूसरी तरफ नॉन करंट लाइबिलिटी को इसको एनसी लिख देता हूं, इट इज नॉन करंट, फिफ्थ केस नॉन करंट एंड एट्थ केस ऑल्सो नॉन करंट लाइबिलिटी। उम्मीद है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग साइकिल का ये कॉन्सेप्ट और इसको यूज करते हुए करंट लाइबिलिटी को समझना, नॉन करंट लाइबिलिटी को समझना आपके लिए और भी आसान हुआ होगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझें, अप्लाई कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।